तुम्हें मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा तारा। क्यों दिया तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा? हमने मित्र समझा आपको ध्रुव, और आप हमसे ही झूठ बोलते रहे। ये धोखा हम बर्दाश्त करेंगे कुणी, ये झूठ बहुत भारी पड़ेगा आपके प्राणों पर। इनके चेहरे के भाव बता रहे हैं इन्हें सच पता चल चुका है, इनके दोषी हैं हम। यहाँ सबके समक्ष इन्होंने अपना क्रोध यदि व्यक्त किया तो सैनिक इन्हें बंदी बना लेंगे। पीठ दिखाकर तुम नहीं जा सकती तारा, आज तुम्हें मेरा सामना करना ही होगा। हमारी बात सुनो, हम शौर्य मेरा बेटा है या नहीं, बस ये बताओ। हाँ या ना? हम तुम्हें हाँ या ना? शौर्यपना, आपका जादूगर आपको कुछ नहीं होने देगा। सच में जादूगर जो सपने में आता है, अद्भुत। अगर तारा और मैं अलग ना हुए होते तो हमारा भी बच्चा होता शौर्य जैसा। आप तो सच में जादूगर हैं। तुम्हें पता था, मुझे पता था तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। झूठ बोला तुमने मुझसे। ध्रुव संभालो अपने आप। अरे क्या संभालू यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात छिपाने की? तरह डर गए थे, अब डर गए थे कि तुम कहोगे हमें चोरी को अपने पास रखना है। क्यों नहीं रखूंगा बताओ, एक कारण बताओ, मैं उसको क्यों नहीं रखूंगा? मेरा बेटा है वो। उसे हमारे साथ होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम प्रताप जी को प्रेम नहीं करती हो, एहसान मंद हो। तुम्हारे ऊपर प्रताप जी का एहसान है, वल्लभगढ़ के ऊपर एहसान है, लेकिन उस एहसान के अंदर मैं क्यों पिसूं? तारा देखो अभी भी समय, कृष्ण जी ने ना शौर्य के रूप में आकर हमें फिर से मिलवाया है। फिर से ही हो सकते? नहीं हो सकता, नहीं समझ रहे हो। इतने वर्षों के उपकार है महाराज के हम पर, उनका बलिदान हर क्षण हमें याद है। इतनी कठिनाइयों में हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया, और अब तुम वापस आ गए तो सब भुलाकर चले जाए हम। इतने स्वार्थी नहीं हो सकते हम। तुम्हारे लिए भी दुख है हमें, और हमें तुम्हारे दोषी अवश्य है, मानते हैं हम। तो शौर्य बड़ा को उनके बाबा से अलग करके पाप नहीं कर सकते। तुमने जन्म दिया है शौर्य को अवश्य, परंतु महाराज ने जीवन दिया है उन्हें। एक बच्चे को जब चोट लगे, दर्द हो, दुख हो, भूख लगे, नींद ना आए, तो माँ को याद करता है, परंतु शौर्य नहीं। शौर्य बड़ा का उनके बाबा सा से इतना लगाव है, वो दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हैं कि उनके मुंह से माँ सा नहीं बाबा सा पहले निकलता है। बाबा सा, तुमने स्वयं देखा, कुछ क्षण के लिए शौर्य बड़ा को उनके बाबा सा से दूर रखना पड़ा,
क्या हालत हो गई थी उनकी। अब सोचो यदि हमेशा के लिए दूर कर गया तो मर जाएंगे। और केवल महाराज ही नहीं, शौर्य बढ़ा भी। बहुत फिक्र है महाराज की, है ना? ध्रुव, मेरा क्या, मैं कैसे रह सकता हूं अपने बेटे से दूर? पहले दिन से जो शौर्य के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा है उसका क्या? पहले दिन से जो मेरा उसके साथ दिल जुड़ा है उसका क्या? पहले दिन से जो उसके साथ जो मेरा मन जुड़ा है उसका क्या? तुम्हें पता है जब पहली बार मेरे जंगल में शौर्य को बचाया था ना, उसके मुंह से ना बाबा बाबा की आवाज सुनाई दी थी। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। तो मुझे लगा था कि अरे अपने बच्चे ने मुझे पुकारा हो। तुम मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे मौका मिला होता शौर्य का ख्याल रखने का तो मैं भी तो वैसे ही रखता ना जैसे प्रताप जी ने रखा। मैंने कोशिश की थी पूरे राज परिवार को 21वीं सदी ले जाने की। अब बल्लभगढ़ भूकंप आ गया तो उसमें मेरी क्या गलती है तारा? मेरे लिए तो तू भी परिवार थी ना। तारा शौर्य के साथ बिताए हुए हर पल मेरे लिए यादगार है। तारा इतने साल मैं अपने बच्चे से दूर रहा, मुझे तो पता भी नहीं था। अब इतने करीब आकर मैं उसे खो नहीं सकता। मुझसे मत छीनो, मेरा शौर्य मुझसे मत छीनो, मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं जी सकता। तारा, तारा शौर्य पे सिर्फ मेरा हक है, शौर्य को तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। आपसे अच्छे तो हमारे शत्रु हैं जो निडर होकर सामने सीने पे वार करते हैं, कपटी मित्र बनकर पीठ में छुरा नहीं घोंपते। महाराज, हमने हमारी बहन मीनाक्षी के लिए आपको वर चुना। हमने एक बार मित्र ध्रुव, हमने पूछा था यह विवाह आपको स्वीकार है, आपने कहा यह आपकी इच्छा है, आप समझौता क्यों नहीं कर रहे? हमारी पत्नी देवगढ़ की रानी सा से छुप छुप कर मिलते रहे, प्रेम प्रसंग करते रहे और हम आप पर विश्वास करने की भूल करते रहे, पर अब हम ये भूल नहीं करेंगे। और ये हमारा बदला नहीं प्रायश्चित होगा। तारा, शौर्य बन्ना की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी चलो रानीसा को बुलाओ।
घटिया शौर्य बना से। सांस नहीं ले पा रहे ठीक से, इतना कस के पकड़ेंगे तो घुटन हो जाएगी। शौर्य बड़ा, लंबी सांस लीजिए, सब ठीक है। क्या हो रहा है शौर्य बड़ा? सांस को नहीं ले पा रहे। शौर्य, शौर्य, औषधि देंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लीजिए। श्वास लीजिए। आप सबसे कुछ कहना है। क्या कह रहे हैं जादूगर? शौर्य, जय दुर्गा माँ। अब ये कह रहे थे शौर्य बना कि जब आप मुस्कुराते हैं ना तो ऐसा लगता है दुनिया में कुछ गलत ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, सब सही है। परंतु शौर्य बना को मुस्कुराने के लिए अपने बाबा सा का साथ चाहिए होगा। और जब तक शौर्य बना हमारे साथ हैं वो मुस्कुराते रहेंगे, नहीं तो संसार में कुछ ठीक नहीं होगा। मैं शौर्य बना की मुस्कान उन्हें वापस दे सकता हूं प्रताप जी, कीजिएगा प्रयास, विफल रहेंगे, देख लेंगे। अद्भुत। परंतु ये गीत हम लोगों ने कभी सुना नहीं और आप गीतकार हैं ये तो मैं पता ही नहीं था। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए किसी भी कीमत पर।
ध्रुव, हमारी भावनाएं हम समझते हैं, परंतु भाग्य ने महाराज और शौर्य बड़ा को पिता पुत्र बनाया है, उन्हें अलग नहीं कर सकते। यही नियति है, इसे स्वीकार लो। तुमने कहा यही मेरी नियति है, पर कान्हा जी मैं तो आपके इशारे को ही नियति मानता हूं। आपने जो इशारा दिया मैं वो करता गया। आपने जहां रास्ता दिखाया मैं वहां चलता गया। देखिए मैं यहां तक आ पहुंचा, पर अब कान्हा जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन सा रास्ता चुनूं? प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। मैं अपनी किस्मत और नियति दोनों बदलना चाहता हूं, पर उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए होगा। कान्हा जी मेरी मदद कीजिए। कान्हा जी, सैनिकों साथ ले जाना तो दूर, हमारी भाबोसा या महाराज की अनुमति के बिना किसी को भी शौर्य बना से ना मिलने दे। जी रानी सर। आप ये सब चिकित्सक ध्रुव को रोकने के लिए कर रही है ना? और कोई उपाय नहीं है हमारे पास सुकन्या, हमें भय है चिकित्सक ध्रुव आवेश में आकर कुछ ऐसा ना कर दे जो हमारे शौर्य बढ़ा के लिए अनुचित हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.